जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सब लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, अपने करियर में सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है और हमें ऐसा लगता है कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया, आपकी लाइफ में आने की इनकी असली वजह क्या है। इतनी बड़ी दुनिया में हम किसी से यूं ही नहीं मिलते, हम सब का कोई ना कोई एक कनेक्शन होता है। अगर इतनी बड़ी दुनिया में आपको सिर्फ उसी इंसान से प्यार हुआ है, उसी इंसान से प्यार हुआ है, उसी इंसान से अटैचमेंट हो रही है, उसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, कोई भी हो जिसके बारे में सोच सोच कर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या आपका एक्स हो, आपका क्रश हो, आपका करंट पार्टनर हो, कोई भी हो जिसका ख्याल आपके दिल दिमाग से निकलता ही नहीं है, ठीक है, तो आखिर ये आपकी लाइफ में क्यों आया, क्यों आया ये आपकी लाइफ में? हम किसी से यूं ही नहीं मिलते, हमें ईश्वर मिलाते हैं क्योंकि हमारा उनका एक पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, चाहे वो कनेक्शन पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो हमारे सोलमेट होते हैं और जो नेगेटिव होते हैं वो हमारे कार्मिक होते हैं, लेकिन हमारी लाइफ में कोई यूं ही नहीं आ जाता। तो डियर, हमने दो पायल दिए हुए हैं, ठीक है, लंबी सी गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद करके गॉड से प्रे करिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं। और ये जो रिपीटेड नंबर्स हमने दिए हैं ना, पायल नंबर 1 में, पायल नंबर 2 में, इसके हिसाब से भी आप एक पायल चूज़ करिए और देखिए कि वो इंसान आपकी लाइफ में क्यों आया, उसके आने की असली वजह क्या है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया, आखिर असली वजह क्या है आपके लाइफ में इनके आने की? तो देखिए डियर, पाइल नंबर 1 बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीज़न है, बहुत ही ज़्यादा। और सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए, ये जो पर्सन है ना, ये कोई भी हो, आपके एक्स पार्टनर हो, आपके करंट पार्टनर हो, आपके क्रश हो, ईश्वर एक बहुत बड़े मकसद से आपकी जीवन में इन्हें लेकर आए हैं। और हमें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल किस्म के इंसान हैं, इमोशनल टाइप के इंसान हैं, जो बात बात पर रो देते हैं, दुखी हो जाते हैं, लोग आपको बहुत कुछ कह जाते हैं लेकिन आप उनसे एक शब्द भी नहीं बोलते। लोग आपकी बुराइयां करते हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं लेकिन फिर भी आप उनसे कुछ नहीं कहते, जैसे कि आप अपने लिए स्टैंड ही नहीं ले पाते, आप अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए कभी लड़ते ही नहीं हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा दर्द है लेकिन आप किसी से कुछ कहते ही नहीं हैं। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द में डूबे हुए हैं, बहुत सारी वजहें हैं। आसपास तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की बातों की वजह से दिन भर दुखी रहते हैं, आप में से ही, और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें कोई नेगेटिव एनर्जी कंट्रोल कर रही है। आपकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, आप सोचते हैं कि ये होगा ये होगा, आप पूरी प्लानिंग करते हैं कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसा कभी होता ही नहीं है। जैसे कि काम बस बनने ही वाला होता है और मौके पर आकर कोई काम बिगाड़ कर चला जाता है। जैसे कि बड़ी मुश्किल से आपने ताश का महल बनाने में कितना टाइम लगता है लेकिन गिराने में 1 सेकंड ही काफ़ी होता है। तो ऐसा ही आपकी लाइफ में चल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, करियर में भी, रिश्तों में भी, हर तरह से आप इंसान को बहुत खुशियाँ देते हैं, आप लोगों की खुशियों के लिए कुछ भी करते हैं लेकिन लोग
लोग आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। आप दूसरों की खुशियों के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं, लेकिन वही लोग आपको तकलीफ दे जाते हैं। और आप ठहरे भावुक किस्म के इंसान, तो आप उनसे कुछ कह नहीं पाते। अभी आपकी लाइफ जैसे स्टक है, जैसे कि लाइफ में कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ऐसा लगता है कि किसी ने बांध कर रख दिया है आपको। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, आपके आसपास एक तो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव तरह के लोग हैं जो आपकी चुगली बुराइयां करते रहते हैं। आप इन सब चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी अपने को खो दिया है, शायद अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस वजह से भी आप उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, उनके दर्द में डूबे रहते हैं, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, और अपना दर्द भी आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे हैं, किसी से बता नहीं पा रहे हैं। दिन पे दिन आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, नेगेटिव लोगों से आप लड़ नहीं पा रहे हैं, अब लाइफ में अपने लिए एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए, ये इंसान आपकी लाइफ में क्यों आया है? इन सभी बुराइयों को खत्म करने के लिए ईश्वर ने इस पर्सन को आपकी लाइफ में भेजा है। अगर ये पर्सन आपको तकलीफ भी दे रहा है ना, तो कहीं ना कहीं ये आपको मेंटली स्ट्रांग कर रहा है, ये आपको मेंटली स्ट्रांग कर रहा है। वैसे तो ये आपका ट्रू सोलमेट है, ये बहुत स्पिरिचुअल किस्म का इंसान है, और ये आपकी ज़िंदगी से सारे दुख दूर करने के लिए आया है, आपको नेगेटिविटी से बचाने आया है, ये आपको आपसे मिलाने आया है, ये आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरने आया है, ये आपकी लाइफ से सारे दर्द मिटाना चाहता है, आपको खुशियाँ देना चाहता है, आपको बहुत सारा प्यार देना चाहता है, आपके करियर में आपको सक्सेस दिलाना चाहता है। ये इंसान आपको नेगेटिव लोगों से बचाना चाहता है, ये हर तरीके से आपको स्ट्रांग करना चाहता है। दुनिया में कैसे रहना है, कैसे जीना है, खुद के लिए कैसे स्टैंड लेना है, लोगों को कैसे परखना है, उन्हें कैसे जवाब देना है, ये सब कुछ ये पर्सन आपको सिखाने आया है। ज़िंदगी को इतना सीरियस नहीं लेना है, खुशी से जीना है, अपने लिए अपने हक के लिए लड़ना है, किस तरह से लोगों से बात करनी है, किस तरह आप अपने करियर में सक्सेस हासिल करेंगे। आपके अंदर धैर्य की कमी है, तो हर चीज़ को पाने के लिए धैर्य रखना होता है। ये सब कुछ ये आपको सिखाने आया है। ये कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल हो जाता है, कभी कभी बहुत रूड हो जाता है, लेकिन इसका इंटेंशन आपके लिए गलत बिल्कुल भी नहीं है। ये हर तरह से आपको स्ट्रांग करना चाहता है। अगर कुछ लोगों के लिए हम कहेंगे कि ये आपके एक्स हैं, इन्होंने आपको दर्द भी दिया है ना, तो उस दर्द में भी ये चाहते थे कि आप स्ट्रांग बने। ईश्वर ने अगर इनसे आपको मिलाया है, ईश्वर सिर्फ इतना ही चाहते थे कि इसकी ही वजह से सही, लेकिन आप अपने सोल पर्पस को पहचाने, ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराना चाहता है। ये आपकी ज़िंदगी का जो मकसद है, इस दुनिया में आने का आपका जो मकसद है, जो पर्पस है, ये उसे याद दिलाना चाहता है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल टाइप का इंसान है, मेडिटेशन करता होगा, हीलर है एक तरीके का, ये अंधेरे से निकाल कर उजाले की तरफ ले जाना चाहता है। इसका यही मेन मकसद है आपकी लाइफ में आने का। ये आपको हर तरीके से पॉजिटिव करना चाहता है, ये आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ना चाहता है। इसका जो इंटेंशन है ना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा, आप ये समझिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैरिड हैं, आप सिंगल मदर हो सकते हैं, सिंगल फादर हो सकते हैं, और आप बहुत अकेले हैं, बहुत तनहा हैं, बहुत दर्द से गुजर रहे हैं, और आपकी लाइफ में सडनली कोई पर्सन आया जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए। तो ये पर्सन यूं ही नहीं आया, इसे आपकी लाइफ में लाया गया है, वो भी ईश्वर लाए हैं। ये सब एक गॉड की प्लानिंग है। ईश्वर चाहते हैं आप स्पिरिचुअलिटी को समझें, आप अपने सोल पर्पस को समझें। ये आपको मेडिटेशन भी सिखाते होंगे, ये आपको स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें बताते होंगे, और लोगों से कैसे बात करनी है, कब एक्शन लेना है,
कैसे जिंदगी जीनी है, ये सारी चीजें ये आपको समझाते होंगे। किसी भी वजह से ऐसा है कि ये पर्सन आपको दर्द दे रहा है, तो ये दर्द इस वजह से नहीं दे रहा है कि आप वीक हो जाएं, ये दर्द इस वजह से मिल रहा है कि आप स्ट्रांग हो जाएं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि दर्द सह सह कर कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दर्द सह सह कर स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। हमें जीवन में जो धोखे मिलते हैं ना, वो इस वजह से नहीं मिलते कि वो हमें तोड़ने आए हैं, वो हमें तकलीफ़ देने आए हैं, वो हमें एक अनुभव देने आते हैं। हर तरीके से वो हमारे लिए बेस्ट ही होते हैं, लेकिन बस इसका जो मेन पर्पस है ना, वो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराना, वो है आपकी सेल्फ ग्रोथ कराना, वो है आपको डार्कनेस से निकाल कर लाइट की तरफ ले जाना। अभी ये भले ही विलन का रोल क्यों ना प्ले कर रहा हो, लेकिन उसमें भी आपके लिए अच्छाई ही छुपी है। हो सकता है कि आप इस बात को समझ भी रहे हों कि जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है, आप कितना चेंज हो गए हैं, कितना बदल गए हैं, कितना बदल गए हैं। मान लीजिए अगर आप ट्विन सोल्जर में हैं, आप अपने मस्कुलाइन से मिले, ठीक है, लेकिन आप उससे बहुत अट्रैक्ट हुए, आपको उससे बहुत प्यार हुआ, उसे भी आपसे प्यार हुआ, फिर धीरे धीरे वो आपको इग्नोर करने लगा, फिर आपको समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, फिर आपको लगता है कि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मुझे चीट किया, इसने मुझे यूज़ किया किसी भी तरीके से। फिर धीरे धीरे आपने यूट्यूब पर वीडियोस देखने शुरू किए, सडनली आपको टैरोट रीडिंग शो हुई, ठीक है, सडनली आपको टैरोट से रिलेटेड वीडियो सजेस्ट होने लगे, आप देखने लगे, आपका इंटरेस्ट बढ़ा, फिर आपको पता चला कि आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, फिर उसमें बताया गया कि आपको इनर वर्क करना होगा, क्योंकि आप किसी भी तरीके से इससे अलग तो हो नहीं सकते थे, क्योंकि आपका काउंटर पार्ट है। अगर आप सोलमेट जर्नी में हैं, ट्विन सोल जर्नी में हैं, तो आप किसी भी तरीके से इन्हें भूल नहीं सकते, मूव ऑन नहीं कर सकते। आप भले ही किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाएं, लेकिन इसकी जो जगह है वो कभी कोई और ले नहीं सकता। तो बार बार आपको एक खालीपन, एक कमी महसूस होती रही इसकी। फिर आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, इनर वर्क करना शुरू किया, और इससे क्या हुआ, आपकी सेल्फ ग्रोथ हुई, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई। कोई लाइफ में यूं ही नहीं आता, उसे ईश्वर किसी न किसी वजह से हमारी ज़िंदगी में लेकर आते हैं, और ये पर्सन भी एक बहुत पॉजिटिव रीज़न की वजह से आपकी लाइफ में आया है। आज भले ही ये आपकी नज़रों में बुरा हो सकता है कि आपको लगता हो कि इसने थर्ड पार्टी की वजह से चीट किया, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। कुछ लोग अगर अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हैं कि वो मेरी लाइफ में क्यों आया, उसने मुझे इतना दर्द क्यों दिया, सिर्फ आपको स्ट्रांग करने के लिए। वो तो सिर्फ एक माध्यम बना, ये सब तो एंजल्स कर रहे थे, ईश्वर कर रहे थे, ताकि आप स्ट्रांग बने, आप अपनी हीलिंग करें, आप अपने कर्मा को क्लीन करें, आप इंडिपेंडेंट बने, आप अपने करियर के बारे में सोचें, आप लाइफ का सही पर्पस जानें। इस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे, ये हर तरह से आपको परफेक्ट करना चाहता है, ये हर तरीके से आपको दुख से निकाल कर सुख की तरफ ले जाना चाहता है, और ये आपका ट्रू सोलमेट है, ये आपका ट्रू सोलमेट है, ये आपका सच्चा प्यार है। ज़रूरी नहीं कि इससे आपकी शादी हो, सकता है कि मैरिड हो सकता है कि इसकी इंगेजमेंट हो गई हो। इधर स्ट्रांग साइन की बात करते हैं, इधर स्ट्रांग साइन है, बहुत ही ज़्यादा जो स्ट्रांग साइन है वो है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियस, फिर है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, उसके बाद है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, फिर है एरिस लियो सेजिटेरियस, जो कि बहुत कम है। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे कि ईश्वर इस पर्सन को आपकी लाइफ में क्यों लेकर आए हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर, आप इस इंसान से क्यों मिले? ईश्वर ने आपको इनसे क्यों मिलाया है? आपके लाइफ में आने की असली वजह क्या है? ये आपकी लाइफ में क्यों आए हैं? तो डियर, गुड न्यूज़ है,
और गुड न्यूज़ सुनने से पहले हमें रिश्वत दी जाती है, तो किधर है हमारी रिश्वत? जल्दी से दे दीजिए। फिर इस रीडिंग की शुरुआत एक प्यारे से सॉन्ग के साथ करते हैं, दो लाइन के सॉन्ग के साथ, ठीक है? रिश्वत दे दी? पक्का? अब आप सुन लीजिए कि ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए हैं, ठीक है? देखिए, एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि जिनके बारे में भी सोचकर आपने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये आपके क्रश हों, आपके एक्स हों, आपका फ्रेंड हो, कोई भी हो ये, ठीक है? जिनके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि आप इनसे क्यों मिले, कोई भी हो, अभी आपके लाइफ में क्या चल रहा है, इस बात को साइड रखते हुए, लेकिन आपके लाइफ में आने की वजह क्या है, या आपकी लाइफ में आए क्यों हैं, तो वजह बहुत पॉजिटिव है। अब देखिए, मन मुटाव, दुख सुख, ये तो चलते रहते हैं, है ना? लेकिन फिलहाल हम इनकी जो एनर्जी है और ये किस वजह से आपकी लाइफ में आए हैं, इस एनर्जी को हम एक सॉन्ग के थ्रू बताते हैं आपको, ठीक है? प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। दीवाने हम उनके सनम, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं। प्यार हमेशा हमेशा रहेगा, प्यार हमेशा हमेशा रहेगा, ये वादा हम तो किए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। दीवाने हम उनके सनम, बस उनका नाम लिए जा रहे हैं। प्यार का अंजाम किसने सोचा, हम तो मोहब्बत किए जा रहे हैं। तो डियर, ये पर्सन आपकी लाइफ में क्यों आए हैं आप नहीं जानते हैं? चलिए बताते हैं, क्योंकि आप इन्हें कई जन्मों से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपके कई जन्मों के पार्टनर हैं, कई जन्मों के, एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, चार जन्म नहीं, कई जन्मों से आप दोनों एक दूसरे के हैं और आगे कई जन्मों तक आप दोनों एक दूसरे के रहने वाले हैं, और ये आपके ही मैनिफेस्टेशन का नतीजा है। आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो इतना स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है कि हर जन्म में आप दोनों एक दूसरे को ही मैनिफेस्ट करते हैं। आप दोनों एक दूसरे को पाने के लिए किसी भी हद तक गुजरते हैं, और ये आप दोनों का ही मैनिफेस्टेशन है, क्योंकि आप भी हमेशा ईश्वर से यही बोलते हैं कि यही आपको चाहिए, और ये भी हमेशा ईश्वर से यही बोलते हैं कि आप ही इन्हें चाहिए। मतलब कि सोल लेवल का कनेक्शन, इसे सोलमेट भी बोल सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए हम ट्विन सोल कनेक्शन भी बोल सकते हैं। इधर कार्मिक का कोई मामला नहीं है, पाइल नंबर 1 में भी नहीं था, पाइल नंबर 2 भी नहीं है। अहो भाग्य हमारे, इधर कार्मिक नहीं पधारे, नहीं तो हम तो परेशान हो जाते। देखिए, वैसे तो ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों की एनर्जी है। अगर आपने किसी ऐसे पर्सन के लिए चूज़ किया था जो बहुत नेगेटिव है, बहुत कार्मिक है, तो बस एक बात समझ लीजिए कि कोई इंसान यूं ही नहीं आता, बेवजह नहीं आता, वो हमें लाइफ में कुछ सिखाने आता है। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के लिए देख रहे थे, आप जानना चाहते थे कि आखिर उसने इतना दर्द क्यों दिया, तो ये समझ लीजिए कि वो आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक पर्सन था, और इस जन्म में उसने इतने दर्द दिए, इतनी तकलीफें दी, इतने करीब आकर आपको अंदर से तोड़कर चला गया, उसमें भी आपके लिए अच्छा ही है, ताकि आप एक सबक लें और इन फ्यूचर आप कभी भी इस तरह की गलती ना करें, कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट ना करें।
तो कार्मिक लोग हमारी लाइफ में हमें कुछ सिखाने के लिए आते हैं, कुछ लेसन देने के लिए आते हैं, जो कि हमारा ही पास्ट लाइफ का कर्मा होता है। और इस जन्म में हमें उसी कर्मा की क्लिंजिंग करनी होती है, ताकि अगले जन्म में ये फिर से हमारे पीछे पीछे ना चले आएँ, ये यहीं रह जाएँ। और अगले जन्म में हमें जितने भी रिश्ते मिलें, पेरेंट्स से लेकर दोस्त तक, दोस्त से लेकर हम सफ़र तक, वो सब हमारे सोलमेट हों। इस वजह से कर्मा क्लिंजिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो डियर, ये जो पर्सन है ना, ये आपका मैनिफेस्टेशन है। आप इनसे क्यों मिले? क्योंकि आप इन्हें ही बार बार मैनिफेस्ट करते हैं, आप ही इन्हें बार बार बुलाते हैं। अभी बहुत सारे लोगों के दरमियान नो कॉन्टेक्ट की भी सिचुएशन चल रही है, लेकिन डियर, आप दोनों कई जन्मों से एक दूसरे के ही हैं। और देखिए, ये आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, दर्द देकर भी और खुशियाँ देकर भी। इन्हें खुद पता नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि एंजल्स, ईश्वर किसी न किसी को जरिया बनाते हैं, किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। तो एंजल्स को ये लगता है कि आपको जो भी सिखाना है वो इनके माध्यम से सिखाना होगा। दो तरह की कंडीशन है। एक तो सिचुएशन ये है कि आप बहुत ज़्यादा साहसी हैं, निडर हैं, आप हमेशा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेते हैं, अपने लिए एक्शन लेते हैं, हमेशा जस्टिस करते हैं। और हो सकता है कि ये जो पर्सन है, ये बहुत ज़्यादा समाज के बारे में सोचते हों। तो ये आपको इसलिए मिले हैं ताकि आप इनकी लाइफ को चेंज कर सकें, आप इनके जीवन में परिवर्तन ला सकें, आप इन्हें सही दिशा दिखा सकें। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें आपके अंदर हैं, यही सारी चीज़ें आपके अंदर है, समाज के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग कर कर के परेशान होना, लाइफ में न्यू बिगनिंग नहीं कर पाना, अपने सोल पर्पस को नहीं समझ पाना, बार बार डिमोटिवेट होना, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस करने आए हैं, ये समझ लीजिए। आपको हर तरीके से ये पॉजिटिव करना चाहते हैं, आपकी लाइफ बदलना चाहते हैं, ये आपको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपको सच्चे प्यार का एहसास कराने भी आए हैं कि सच्चा प्यार क्या होता है, और ट्विन सोल जर्नी क्या होती है, इनर वर्क क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है। आप में से तो बहुत सारे लोग पहले इनर वर्क को जानते भी नहीं होंगे, ट्विन सोल जर्नी, सोलमेट जर्नी को आप लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन जब से पर्सन आपकी लाइफ में आया, आप टैरोट से कनेक्ट हो गए, आप टैरोट रीडिंग देखने लगे, और तभी आपको पता चला कि आप सोलमेट जर्नी में हैं, आप ट्विन सोल जर्नी में हैं, आपको इनर वर्क करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ तक लाने का माध्यम तो यही है ना, जरिया तो यही है ना, इनकी ही वजह से तो आप ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनका भी पूरा श्रेय है आपको बदलने में, भले ही ये आपको तकलीफ क्यों ना दे रहे हों। कभी कभी हम दर्द से उभरने के लिए भी ऐसी चीज़ें देखने लग जाते हैं कि अब उनका एक्शन क्या होगा, अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे मूव ऑन करूं, कैसे आगे बढ़ूं। फिर हमें जो टैरोट रीडर होते हैं वो सजेस्ट करते हैं कि आप मेडिटेशन करो। तो कहीं ना कहीं ये लोग हमारी लाइफ में इस वजह से भी आते हैं ताकि हम स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो सकें। स्पिरिचुअलिटी से, मेडिटेशन से हर इंसान कनेक्ट नहीं होता, जिस पर ईश्वर की असीम कृपा होती है वही स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो पाता है। वरना आज के टाइम पे कमाने खाने की जहाँ होड़ लगी हुई है, जहाँ कंपटीशन चल रहा है कि मैं सबसे आगे, इस कंपटीशन में कहाँ कोई खुद पर ध्यान देता है, कहाँ किसी के पास टाइम है सेल्फ लव करने की, कहाँ किसी के पास टाइम है सेल्फ ग्रोथ करने की। नहीं है ना, किसी के पास टाइम नहीं कि वो मेडिटेशन करे, वो रो लेगा, परेशान हो जाएगा, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है कि वो खुद के लिए टाइम निकाले। बिल्कुल ऐसा ही। तो ईश्वर ने इनसे आपको इसी वजह से मिलाया है ताकि ये आपकी लाइफ में बहुत सारे अलग अलग चेंजेस कर सकें। चेंजेस तो ईश्वर ही करते हैं, लेकिन माध्यम किसी और को बनाते हैं, जरिया किसी और को बनाते हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि यही सारी चीज़ें अगर आपके पार्टनर के साथ हैं कि वो आपकी लाइफ में क्यों आए, तो आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप बहुत पॉजिटिव रहते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा मैच्योर हैं, समझदार हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, करेजियस हैं आप बहुत ज़्यादा, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत साहसी हैं, क्रांतिकारी हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहते हैं। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में इस वजह से आए ताकि यही सारी चीज़ें आप इन्हें सिखा सकें, क्योंकि आप दोनों का एक स्ट्रांग बॉन्ड है, आप दोनों का एक स्ट्रांग कनेक्शन है पास्ट लाइफ का, और आप दोनों मिलकर ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं,
इनकम्प्लीट हैं। तो ये आपको एक लेसन देने आए हैं, आप इन्हें एक लेसन दे रहे हैं, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो डियर आई होप समझ गए होंगे आप। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि 70% लोग सोलमेट हैं, 70% लोग सोलमेट हैं, ट्विन सोल हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रीज़न की वजह से एक दूसरे से मिले हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करेंगे, आप दोनों ही एक दूसरे का दर्द दूर करेंगे, एक दूसरे की हीलिंग करेंगे, और इसी वजह से ईश्वर ने आप दोनों को मिलाया है। आप दोनों ही एक दूसरे की मदद करेंगे, ये नहीं कि सिर्फ ये कर रहे हैं, आप भी इनकी कर रहे हैं। और फिर हमने तो बहुत बड़ी बात बता दी कि आप दोनों ही अनंत जन्मों से एक दूसरे के ही हैं, और अनंत जन्मों से आप दोनों ही एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं। जब आप दूसरा जन्म लेते हैं ना, तो जब आपकी अंतिम सांसें चल रही होती हैं, तब आपके जहन में इनका ही ख्याल होता है, इनका ही ख्याल होता है। और इस वजह से हम मरते वक्त जिसके बारे में सोचते हैं ना, अगले जन्म में वो हमें ज़रूर मिलता है, जिसका ख्याल होता है हमें, ये समझ लीजिए, हम उससे ज़रूर मिलते हैं। ये शास्त्रों में भी लिखा गया है। एक हम इसे बहुत धार्मिक तरीके से बोलें तो एक रामायण में चौपाई है, आप लोग नहीं समझेंगे, कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग होंगे जो समझ जाएंगे हमें। जन्म जन्म मोहि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाही। मतलब लोग पता है क्या कहते हैं, जो हमारे ऋषि मुनि हुआ करते थे, जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं, वो कहते हैं कि आप राम राम की प्रैक्टिस करो, ताकि अंत समय में आपका जो ख्याल है ना, वो आपकी फैमिली की तरफ ना हो, राम की तरफ हो, ईश्वर की तरफ हो, जिससे आप मोक्ष की प्राप्ति करें। एक और चौपाई है कि कलयुग केवल नाम अधारा, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसका मतलब यह है कि कलयुग में सिर्फ राम का नाम ही काफ़ी है, जिसे अंत समय में इंसान अगर ले ले तो वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हम सबका इतना ज़्यादा अटैचमेंट होता है अपनी फैमिली से, तो अंत में कभी भी किसी को भी राम की याद आती नहीं है, अपने बच्चों की याद आती है, अपने पत्नी की याद आती है, अपने प्यार की, अपने माँ की, अपने पिता की याद आती है, और फिर अगले जन्म में हम उनसे ही मिलते हैं किसी न किसी रूप में। इसी तरह आप दोनों ना अंत टाइम में, लास्ट टाइम पे एक दूसरे को ही याद करके देह का त्याग करते हैं, इसी वजह से आप दोनों हर जन्म में मिलते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ज़्यादा धार्मिक तरीके से भी समझा दिया है हमने, है ना। तो डियर जय श्री कृष्णा, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम कहना ही होता है, और लोग पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा, आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साईं राम।